पुरानी पेंशन बंद हो गई, अब तो एनपीएस के जरिए काम होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 40 साल तक अगर कोई विधायक 40 दिन विधायक रह जाए तो उसको पूरे जिंदगी पेंशन मिलेगी। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 40 दिन तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह जाए तो पूरी जिंदगी पेंशन मिलेगी, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी 40 साल तक सरकारी सेवा करता है उसकी पेंशन बंद हो गई। मैंने कहा ये कौन सी बात है, आप उनकी पेंशन क्यों बंद करना चाहते हैं? और मैंने कहा पेंशन सरकार कर्मचारियों को देती है तो इस सरकारी कर्मचारी पर कोई एहसान नहीं करती, कोई भीख नहीं देती, हमारा पैसा ही हमको देती है। जिंदाबाद। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, आपका ही पैसा जो सरकार जमा करती है उसी से आपको आगे चलकर पेंशन देती है। आप कह रहे हो हम वो पैसा अपने पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर शेयर मार्केट में लगाएंगे। अजीब बात, सब कुछ आप अपने मित्रों के लिए करना चाहते हो, सब कुछ आप अपने मित्रों के लिए करना चाहते हैं, खुद तो आप कहते हैं हम फकीर हैं झोला लेके भाग जाएंगे। ये अच्छी बात है, देश के कर्मचारी को दुखी करोगे, किसान को दुखी करोगे, मजदूर को दुखी करोगे, नौजवान को दुखी करोगे, माताओं बहनों को सुरक्षा नहीं दोगे, पूरे देश को बर्बाद कर दोगे, नोटबंदी और जीएसटी लेके आओगे और झोला लेके भाग जाओगे। तो मोदी जी हम आपको झोला लेकर भागने नहीं देंगे, बैंकर्स का अधिकार उनको देना पड़ेगा, कर्मचारियों का अधिकार उनको देना पड़ेगा। सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है। आने दीजिए, मैं कुछ भूलता नहीं हूँ। आप इसी तरीके से सेल के कर्मचारी आए, सेल के कर्मचारियों की बहुत ही जेन्यून डिमांड्स थी मेरे सामने, उसके बारे में कोई लिखने बोलने क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने पार्लियामेंट के अंदर सेल के कर्मचारियों के पेरिज रिवीजन से लेके तमाम मुद्दों पे सवाल लगाया और उनका समाधान कराने का काम भी सरकार से किया, और आगे भी आपके साथ लड़ाई लड़ूंगा। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर एक सरकार, आपने विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम जारी करने की बात कही है, मैंने पार्लियामेंट में चिट्ठी लिख के दिया, फाइनेंस मिनिस्टर को भी लिखा, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, और मैंने कहा कि अगर इस देश के अंदर एक आम आदमी का लाख दो लाख रुपए बकाया रहता है तो बैंक के आगे आप उसकी सूची लगा देते हो, पूरे समाज में वो व्यक्ति अपमानित होता है, तहसील में आप उसकी सूची लगा देते हो, किसान को तो पकड़ के आप जेल में बंद कर देते हो, लेकिन लाखों करोड़ का कर्जा जो चंद पूंजीपतियों ने ले रखा है, देश के बैंक का कबाड़ा करने वाले लोग, ये बड़े बड़े पूंजीपति हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची जारी करके आप इनको सामने करो और इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करो। 8,55,000 करोड़ का कर्जा, मैंने पार्लियामेंट में पूरी लिस्ट पढ़ी थी, 1,25,000 करोड़ का कर्जा अंबानी के ऊपर है, 96,000 करोड़ का कर्जा अडानी के ऊपर है, 1,03,000 करोड़ का कर्जा वेदांता ग्रुप के ऊपर है, 1,01,000 करोड़ का कर्जा एसआर ग्रुप के ऊपर है, चंद पूंजीपतियों के ऊपर 8,55,000 करोड़ का कर्जा है। ये पैसा किसका है? ये इस देश के सरकारी कर्मचारी का पैसा है, किसान का पैसा है, मजदूर का पैसा है, छोटे व्यापारी का पैसा है, आम आदमी का पैसा है, करोड़ों लोगों का पैसा चंद पूंजीपति हजम करके हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाएंगे, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, अब ये होने वाला नहीं है। इसके लिए आपने आवाज उठाई है, मैं हृदय से आपको बधाई देता हूं। आपको आपको कटघरे में खड़ा किया जाता है, आपको सवालों के घेरे में लाया जाता है, लेकिन मुझे मालूम है कि बैंक वाले कभी भी कोई कर्जा, अगर कोई बड़ा लेन देन का खेल हुआ है तो उसमें सरकार के मंत्रियों के मिलीभगत के बगैर नहीं हुआ है। आप बैंकर्स हो, 21,000 करोड़ का कर्जा नीरव मोदी पे, 17 बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और कहा था विजय माल्या पे कार्रवाई कीजिए, 9,000 करोड़ हमारा लूट के भाग जाएगा, तब सीबीआई को याद नहीं आया, लुकआउट नोटिस को इन्फॉर्म नोटिस पे बदल दिया,
विजय माल्या को हिंदुस्तान से भगा दिया। हमारे देश की सरकार कहती है 9000 का कर्जा लोगे तो उठाकर जेल में बंद कर दिया जाएगा, 9000 करोड़ का कर्जा लोगे तो जहाज में बैठा के तुमको लंदन पहुंचा दिया जाएगा लंदन। ये हमारे सरकार की नीति, ये हमारे सरकार की नीति है। नोटबंदी लेके आ गए, आप दिन रात परेशान रहे नोटबंदी में, रात रात भर बैंक खोलकर आप बैठे रहे आम आदमी की सेवा के लिए, लेकिन कहा क्या गया, नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, जाली नोट खत्म हो जाएगा। अरे अब तो आरबीआई की रिपोर्ट आ गई, 99.3% पैसा बैंकों में वापस आ गया। नोटबंदी से अगर कुछ खत्म हुआ तो 100 जिंदगियां खत्म हुई हैं लाइन में लग के, इसकी जवाबदेह सरकार। इसलिए मैं फिर से आप लोगों को इस आंदोलन के लिए बधाई देना चाहता हूं, और दिल्ली का सांसद होने के नाते आपको सलाम करना चाहता हूं इस जंतर मंतर की ऐतिहासिक धरती पर, और आपसे कहना चाहता हूं आपकी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर मैं आपके साथ हूं। पार्लियामेंट के अंदर अभी सेशन चल रहा है, इसमें भी आपका मुद्दा उठाने का काम करूंगा, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहां पर बुलाया, अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं अंत में इन्हीं लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में राधा का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के वतन का सौदा करने वाले लोगों से इस मुल्क को, इस वतन को बचाने के लिए कर्मचारियों को, नेताओं को, आम आदमी को, रिक्शे वाले को, मजदूर को, किसान को, सबको एक साथ आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद।